गुड मॉर्निंग सेवन क्लास, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें 8.2 का क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ग्रेस 60, व्हाट डू 40 ऑरेंजेस कॉस्ट निकालना है। मीन्स दिया 15 ऑरेंज का मूल्य, 15 ऑरेंज का मूल्य 60 रुपये है, तो व्हाट डू 40 ऑरेंजेस कॉस्ट। तो हमें 40 ऑरेंजेस का कॉस्ट या मूल्य निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 1 ऑरेंजेस का मूल निकाल लेंगे। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे, कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कितना दिया है, 16 रुपीज। ओके स्टूडेंट, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस का कॉस्ट निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस, 1 ऑरेंज का कॉस्ट निकालेंगे तो 60, जो 15 है इसका 15 का डिवाइड दे देंगे, 15 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम। तो हमारे एक ऑरेंजेस का मूल्य 4 रुपये आ जाएगा। अब हम निकालना है कितने, कॉस्ट ऑफ 40 ऑरेंजेस। तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 40 ऑरेंजेस, तो 40 ऑरेंज का मूल, तो वह एक ऑरेंज का मूल हमारा 4 रुपये है कॉस्ट। अब हम इसका 40 ऑरेंजेस, तो 40 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 40 का मल्टीप्लाई कराएंगे 160, तो 160 रुपीज़। तो 40 ऑरेंजेस का कॉस्ट कितना आएगा, 160 रुपीज़ आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 25th मीटर ऑफ क्लॉथ इन 3000 रुपीज़। मीन्स है 25 मीटर कपड़ा है उसका कॉस्ट कितना दिया है, 3000 रुपये। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है, कॉस्ट निकालना है, अगर 2000 में हमें कितना लेंथ मिलेगा कपड़े का, और यहाँ पे हमें दोनों निकालना है, कॉस्ट और लेंथ निकालना है। यहाँ पे हमें लेंथ 7 दी है, तो 7 की लेंथ निकालना है कितने रुपये का आएगा, और यहाँ पर दिया है फोर्थ पार्ट में ये 15, जो 1500 रुपये में हमें कितना मीटर कपड़ा आएगा, और 11.5 मीटर हमें कितने का आएगा। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो हमको दिया है इसके हम 1 मीटर की कॉस्ट निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ 25th मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है, 3000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, 3000 रुपये है, तो हम इसमें 1 मीटर की निकाल लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, तो 3000 में भाग देंगे 25 का, 25 का डिवाइड देंगे, तो 25 का डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, कैरी 5 जाएगा 2 टाइम, और ये 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर का कॉस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट आ जाएगा 120 रुपये, 120 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, अब हमको निकालना है क्या क्या, कि 2000 में, जो 2000 में हमें कितना लेंथ लेना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ का हम पहले कॉस्ट निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो 7 मीटर क्या मल्टीप्लाई करा देंगे 120 में, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 24,840 रुपीज़। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 840 रुपीज़, जो 7 मीटर कपड़ा ख़रीदेंगे 840 रुपये का आएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम सेकंड निकालेंगे, जो हमारा सेकंड दिया था, सेकंड क्या था, 2000 में हमें कितना क्लॉथ मिलेगा। तो सबसे इस तरीके से निकाल लेंगे, द कॉस्ट ऑफ, तो स्टूडेंट अब हम निकालेंगे कॉस्ट किसकी, 11.5 मीटर की कॉस्ट निकालेंगे। तो हमारा 11.5 मीटर, 5 मीटर क्लॉथ है, तो ये इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा देंगे, जो हमारा 11.5 है इसमें हम 120 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसमें 20 है मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा इसको 1 डिजिट से 0, 0 से 0 कैंसिल, 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 में, 12, 5 या 60 की 0, कैरी 6, 12 का 1 में 12, और 6, 18 की 8, कैरी 1, और ये 18 और ये 13, तो 1340 का, जो हमारा 11.5 मीटर की कॉस्ट कितनी आएगी,
1380 रुपये आएगी। ओके स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे कि 2000 में कितना क्लोथ्स आएगा और 1500 में कितना क्लोथ्स आएगा। तो स्टूडेंट लेंथ ऑफ क्लोथ निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे क्लोथ की हमें कितने में, 2000 में। 2000 में कितना क्लोथ्स आएगा, जो हमारा 1 मीटर का कॉस्ट था उससे हम डिवाइड दे देंगे, इससे हम डिवाइड देंगे 0 से 0, 12 का डिवाइड देंगे, इसमें कितने टाइम जाएगा, ये हमारा जाएगा 12 बन जाएगा 1 6 12 का 12 एंड कैरी लगेगी इसमें कितनी, यहाँ पे अलग से डिवाइड देंगे 12 और यहाँ बचेगा हमारा 200, 12 बन जाए 12 8 0, फिर जाएगा 6 टाइम 72, फिर यहाँ आएगा कैरी 8, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0, फिर जाएगा 6 टाइम 72 और फिर जाएगा 8, तो हमारा 16.66। ओके स्टूडेंट, तो हमारे कितने मीटर लेंथ आएगी क्लॉथ की, 16.66 मीटर लेंथ क्लॉथ की कितने रुपए में आएगी, 2000 रुपये में आएगी 16.66। तो इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे, 16.65 या 66 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम 1500 की लेंथ निकाल लेंगे, तो निकालेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ कितने में, 1500 में, तो हम 120 से डिवाइड दे देंगे, तो ये जाएगा टाइम, तो इससे हम डिवाइड देंगे 12 बन जाए 12, कैरी 3 तो जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ से हम अलग से दे देंगे 12 का डिवाइड देंगे 150 में, तो 1 टाइम जाएगा, तो कैरी बचेगी हमारे पास रिमाइंडर कितना है 3, यहाँ से उतारेंगे 0 तो जाएगा 2 टाइम 24, जाएगा 6, यहाँ से पॉइंट लगाएंगे 0 जाएगा 5 टाइम, तो हमारा कितने मीटर, 12.5 मीटर क्लॉथ्स आएगा। ओके स्टूडेंट, तो 1500 में 12.5 मीटर क्लॉथ्स आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमारे यहाँ 12.5 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम।